गुड मॉर्निंग क्लास सेंट एंजल्स फैमिली वेलकम्स यू इन ऑनलाइन क्लासेस क्लास 11th कॉमर्स सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज एंड आवर टुडेज टॉपिक इज कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। बेटा कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क में हम पढ़ेंगे कि हमारे बिजनेस को किन किन वजह से लॉस का सामना करना पड़ता है। बेटा एक बिजनेस को बहुत सारे कारणों की वजह से लॉस का सामना करना पड़ता है जिसमें नेचुरल कोज फिजिकल कोज ह्यूमन कोज और इकोनॉमिक कोज आते हैं। फर्स्ट हम बेटा क्लियर करेंगे नेचुरल कोज। बेटा समय समय पर क्या होता है कि बहुत सारी नेचुरल कलामिटीज आती रहती है, बाढ़ भूकंप सूखा फैल जाना बेटा अर्थक्वेक फ्लड ड्रोट फेमिन जिनकी वजह से एक बिजनेस को बेटा हैवी लॉस एक बड़ा लॉस होता है। और सबसे खास बात यह है कि बेटा नेचुरल कोजेज की वजह से जो लॉस होता है बिजनेस इसके लिए कोई प्रिपरेशन भी नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है बेटा ह्यूमन कोज। ह्यूमन कोज क्या होता है कि जो बेटा ह्यूमन एक्टिविटीज या जो पर्सन हमारे बिजनेस से रिलेटेड हैं उनकी एक्टिविटी की वजह से जो हमें बेटा लॉस होता है वो ह्यूमन कोजेज में आएगा। एग्जाम्पल यदि बेटा हमारे वर्कर इनएफिशियंसी के साथ वर्क करते हैं लापरवाही के साथ वर्क करते हैं या फिर वो लगातार फर्म के अंदर स्ट्राइक करते रहते हैं धरना प्रदर्शन करते रहते हैं या फिर वो फर्म के साथ बेटा डिसऑनेस्टी करते हैं बेईमानी करते हैं और फर्म के सीक्रेट्स को फर्म की जो गोपनीय बातें हैं बेटा उनको वो दूसरे बिजनेस के साथ शेयर करते हैं इस वजह से हमारे बिजनेस को बेटा एक बड़ा लॉस हो सकता है। और समय समय पर बेटा हम देखते हैं कि क्रिमिनल राइट्स भी होते रहते हैं जिनकी वजह से हमारे बिजनेस को बड़ा लॉस होता है। अभी हम एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। अभी आपने कुछ दिनों पहले ही दिल्ली के केस में भी देखा होगा कि बड़े बड़े शोरूम बड़ी बड़ी जो शॉप्स थी बेटा जो बिजनेस कर रही थी उनको जला दिया गया उनके सामान को जला दिया गया जिससे उन्हें बड़ा लॉस सहन करना पड़ा। नेक्स्ट है बेटा इकोनॉमिक कोज। इकोनॉमिक कोज में क्या होता है कि बेटा हमारे यहाँ के पॉलिटिकल इन्वायरमेंट सोशल इन्वायरमेंट में चेंज आ जाता है उसकी वजह से एक बिजनेसमैन को बेटा बड़ा लॉस सहन करना पड़ता है। बेटा एग्जांपल ले लेते हैं 1971 में जब भारतीय जनता गवर्नमेंट जो जनता गवर्नमेंट है बेटा पावर में आई सो उन्होंने जो भी हमारे यहाँ MNCs थी जैसे कोका कोला कंपनी इनको बेटा बाहर जाना पड़ा। इन्होंने कोका कोला कंपनी को देश से बाहर निकाल दिया जिसकी वजह से कोका कोला कंपनी को बेटा बड़ा लॉस सहन करना पड़ा। उसी प्रकार बेटा हम देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग का जो टेस्ट जो कंज्यूमर है उनका टेस्ट एंड प्रेफरेंस उनकी डिमांड बेटा लगातार चेंज होती रहती है जिसकी वजह से भी हमारे बिजनेस में एक बड़ा रिस्क आ जाता है। नेक्स्ट है बेटा फिजिकल कोजेज। फिजिकल कोजेज में बेटा क्या होता है कि जो हमारे एसेट्स हैं वो डैमेज हो जाए या फिर बेटा जिस टेक्नोलॉजी के साथ हम प्रोडक्शन कर रहे हैं अपना बिजनेस कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाए। आप इसमें बेटा एग्जांपल ले सकते हैं। बेटा पहले क्या होता था कि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चलते थे तो जो फर्म सबसे पहले कलर टीवी लेकर आई वो उसको बेटा दूसरे बिजनेस को फॉलो करना पड़ा दूसरे बिजनेस को भी कलर टीवी बनाना पड़ा और यदि वे बेटा ऐसा नहीं करते तो उनकी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाती और बिजनेस को एक बड़ा लॉस सहन करना पड़ता। इसी को एक और दूसरे एग्जांपल से समझ सकते हैं बेटा हम। बेटा जब 4G टेक्निक मार्केट में आई तो जो 3G फोन थे बेटा वो सब आउटडेटेड हो गए। किसी ने बेटा उसके बाद से 3G फोन को नहीं खरीदा जिसकी वजह से बेटा जो बिजनेसमैन लगातार 3G फोन बना रहे थे उनको बड़ा लॉस सहन करना पड़ा। सो यही होता है बेटा फिजिकल कोज मीन्स यदि टेक्नोलॉजी हमारी आउटडेटेड हो जाए या हमारे एसेट डैमेज हो जाए जिसकी वजह से या फिर होता क्या है बेटा जैसे ऑर्गेनाइजेशन में बॉयलर होते हैं या कोई एक्सीडेंट एम्प्लॉयज के साथ हो जाए जिसकी वजह से हमें बहुत बड़ा रिस्क सहन करना पड़ता है। ये सब कोजेज बेटा हमारे फिजिकल कोजेज के अंदर आते हैं। सो इन दिस वे बेटा वी हैव कंप्लीटेड आवर बिजनेस रिस्क कोजेज। इट मीन्स जो हमारे बिजनेस में रिस्क हो सकते हैं जिन जिन कारणों की वजह से वो हमने अभी बेटा क्लियर किया है। इन नेक्स्ट वीडियो बेटा वी विल स्टडी द टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क। टिल देन टेक केयर थैंक यू।